नमस्कार, इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। जलालुद्दीन जेडी का बलिया आगमन पर हुआ भव्य स्वागत। बलिया नवनियुक्त समाजवादी पार्टी के छात्र सभा के जिला अध्यक्ष जलालुद्दीन जेडी का स्वागत बलिया नरौली पकवा इनार मऊ से समाजवादी पार्टी के हजारों कार्यकर्ताओं के द्वारा स्वागत करते हुए रसला चिलकैर फेपना सागरपाली मालदेपुर उमरगंज बहरी गढ़वा रोड स्वागत होते हुए समाजवादी कार्यालय पहुँचे, जहां समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष राजमंगल यादव के नेतृत्व में हजारों कार्यकर्ताओं की स्वागत सभा का आयोजन किया गया। स्वागत सभा के संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष राजमंगल यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव, प्रदेश उपाध्यक्ष माननीय नरेश उत्तम व प्रदेश अध्यक्ष छात्र सभा दिग्विजय सिंह को आभार जताते हुए कहा कि जलालुद्दीन जेडी छात्र सभा के जिला अध्यक्ष के रूप में जो किया है, हमें आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि बलिया जनपद में सभी महाविद्यालय में संगठन का विस्तार होगा। मेरा नाम जलालुद्दीन जेडी है। समाजवादी छात्र सभा बलिया का जिला अध्यक्ष मनोनीत हुआ हूँ। आज जिला अध्यक्ष स्वागत हुआ जनपद बलिया में, जो जिम्मेदारी आपको दी गई है पार्टी द्वारा, निर्वहन करेंगे इनका। राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के आदरणीय अखिलेश यादव जी द्वारा मुझे समाजवादी छात्र सभा का जिला अध्यक्ष मनोनीत किया गया है, इसलिए उन्हें आभार व्यक्त करता हूँ। आज सामाजिक छात्र सभा जिला अध्यक्ष मनोनीत होने के बाद मऊ से ही सभी छात्र सभा समाज के कार्यकर्ता मऊ रतनपुरा जोरदार स्वागत किया। इसके लिए सभी समाजवादी छात्र सभा के लोगों का धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूँ। जी, जो आपको जिम्मेदारी पार्टी ने दी है, क्या इसका लुक 2022 में दिखाई देगा? जी, ये देश युवाओं का देश है। यहाँ पर 65% आबादी के लोग नौजवान है, जिसमें सबसे ज़्यादा छात्र रहते हैं। 2022 में अखिलेश जी पुनः उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, इसमें समाजवादी छात्र सभा का भूमिका भी अहम है। समाजवादी छात्र सभा के लोग सरकार है, जिसने वादा किया था कि नौकरी देंगे। आज योग नौकरी मांगने पर लाठियां बरसाई जा रही है, छात्रों का शोषण किया जा रहा है, कॉलेजों में पढ़ाई नहीं है फिर भी फीस वसूली जा रही है। अगर इसी तरह से कॉलेज मनमाने तरीके से छात्र को शोषण करेंगे तो संज्ञान में आएगा। उसके लिए समाज छात्र सभा के जिला अध्यक्ष होने के नाते उनका मैं जोरदार विरोध करूंगा और 2022 में पुनः आदरणीय अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए हम लोग जोरदार मेहनत करेंगे और जन जन तक उनकी बातों को पहुंचाएंगे। माना जाए जो आपको जिम्मेदारी दी गई है 2022 में अखिलेश जी सरकार बनाकर आप दिखाएंगे और जनपद बलिया के सबका निकलेंगे। 2022 में आने वाले विधानसभा चुनाव में बलिया से 7 विधानसभा सीटों को हम जीतेंगे और आदरणीय अखिलेश यादव जी को पुनः हम मुख्यमंत्री बनाएंगे। इसके लिए समाजवादी छात्र सभा के लोग आप जी जहाँ से लग गए हैं और सरकार के बीजेपी सरकार उखाड़ फेंकने में समाजवादी छात्र सभा का भी भूमिका अहम रहेगी।